अर्चना शर्मा और आप देख रहे थे खबरी बाबू। बिहार में लॉकडाउन के दौरान हर जगह मदद पहुंचाने वाले विवेक कल्याण आज एक बार फिर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के पहल पर गया रेलवे स्टेशन पर। कुलियों के बीच राशन सामग्री वितरित किया गया। आइए देखने की रिपोर्ट चंदन भारती के साथ। सिद्धार्था कॉम्पिटिशन ट्रस्ट के बैनर तले चलो गांव की ओर राशन सामग्री वितरण मुहिम के तहत कोरोना महामारी के दौरान लगातार बांटी जा रही है खाद्य सामग्री। इसी बीच गया स्थित रेलवे स्टेशन जहां महामारी के कारण यात्रियों का आवागमन व रेल परिचालन ठप होने से बेरोजगार कुली मजदूरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस आपूर्ति के निवारण हेतु सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट बोधगया के सौजन्य से लगभग 80 कुली संघ से मजदूरों के बीच माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार स्वयं सेवी संस्था विवेक कल्याण के द्वारा बांटी गई सामग्री, जिसमें 5 kg चावल, 5 kg आटा, दाल, आलू, तेल, नमक, सोयाबीन के साथ सैनिटाइजर और मास्क देते हुए महामारी हेतु जागरूक किया गया। राशन सामग्री पाकर सभी कर्मी खुश दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने गत वर्ष भी दिए गए राहत सामग्री के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा संस्था सिद्धार्थ कंपेशन के चेयरमैन विवेक कल्याण द्वारा लगातार लोगों के बीच की जा रही सेवा को सराहा व शुभकामना प्रकट की। इसके साथ ही ट्रस्ट के चेयरमैन विवेक कल्याण द्वारा कोरोना के टीकाकरण हेतु उपस्थित जनमानस को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सागर कुमार जी, संतोष ठाकुर, मुकेश चंद्रवंशी व गया पुलिस प्रशासन के साथ साथ संदीप कुमार, पवन कुमार, विनय कुमार, जीतू कुमार, सौर्य कुमार व रिंकू कुमार की भागीदारी सराहनीय रही। रिपोर्ट खबरी बाबू। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया से चलकर सिद्धार्थ कॉम्पेशन ट्रस्ट के माध्यम से गया रेलवे जंक्शन पर कुलियों के बीच में और गरीबों के बीच में अनाज के वितरण का कार्यक्रम किया गया है और हम संस्था को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं जिनको द्वारा गरीबों के लिए अनाज वितरण जो करने का काम किया गया है, बहुत एक नेक काम जा करके है। और मैं अपनी ओर से और गया के कुली भाइयों की ओर से, गरीबों की ओर से, सिद्धार्थ कॉम्पेशन ट्रस्ट के जो यहाँ प्रभारी हैं श्री विवेक जी जाकर और उनके साथियों को और उनके तमाम जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बधाई शुभकामना। इस तरह से ट्रेन का भी जो आवागमन है बहुत स्लो चल रहा है, बहुत लोग पैसेंजर नहीं आ पा रहे हैं लेकिन, और जिस वजह से इन लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही है। पहले पिछले साल भी हमने ये राशन सामग्री दिया था और इस बार भी हम ये राशन सामग्री एक हफ्ता का भोजन सामग्री दे रहे हैं लोगों के बीच। अजय जी हैं जो कि कुली हैं गया रेलवे स्टेशन पर, आप इससे पूछना चाहेंगे जो विवेक जी का इस कैसा सराहनीय सहयोग रह रहा है? अगला साल अगला बात में जो लगे थे, लॉकडाउन में लगे थे, अच्छा कुछ ना कुछ तो दिए थे विवेक जी पिछले साल भी दिए थे। पिछले साल दिए थे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? विवेक जी तो आपको सब जगह पर बांटते हैं, बिहार सोने सूत के नाम से चलते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, समाचार में भी देखे हैं, टीवी पर भी देखे हैं। अच्छा, बिहारी सोनू सूद के नाम से जो फेमस है उनके बारे में आप समाचार में भी देखते हैं? जी हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि विवेक जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें हम लोग मोबाइल के समाचार, मोबाइल पर, यूट्यूब के समाचार पर देखते रहते हैं, जो कि बिहारी सोनू सूद के नाम से मशहूर हैं। देखिए, इतना बेहतरीन कार्य करने वाला व्यक्ति हर जगह, उनको छुपाया नहीं जा सकता है, हर कोई जान रहा है। और फिर से एक बार इन लोग आस लगाए हुए हैं, कुछ देर के बाद यहाँ पर राशन सामग्री बंटने का कार्यक्रम होगा जो तमाम कुलियों के बीच में राशन सामग्री दिया जाएगा, कुछ तो राहत होगा। इसी तरह अगर हर स्वयंसेवी संस्था आगे की ओर मदद उठाती है, इनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन और लोगों को आना पड़ेगा इन कुलियों के पीछे, क्योंकि ये लोगों का भार उठाते हैं। आज इनका भार उठाने वाला यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक आस है विवेक कल्याण जी से। लेकिन बिहार में कई संस्थाएं हैं जो अपने अपने रेलवे स्टेशन के कुली को अगर मदद करें तो इनका जीवन यापन और भी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन आने वाला दिन जब नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, तो यही व्यक्ति हैं जो हमारा भार आपके तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा जुनून रखते हैं, हमेशा डेली रूटीन में रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह का अनुशासन में रहते हैं। आप देख रहे थे खबरी बाबू चंदन भारती के साथ गया से।